नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी एप्लीकेशन को हाइड आप कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन आप रखते हैं जो कि आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, तो आप ही सिर्फ उस एप्लीकेशन के बारे में देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग आपका फ़ोन जो है ले लेता है तो उस एप्लीकेशन को देख सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एप्लीकेशन को छुपाया जाता है, यानी कि हाइड किया जाता है। सिर्फ आप ही जो है उस एप्लीकेशन को जब चाहेंगे अनहाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप ही जब चाहे उसे हाइड कर सकते हैं यानी कि छुपा सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं वीवो फ़ोन में बताने वाला हूँ। जैसे कि वीवो फ़ोन में अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 9 और 10 है तो ये आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा ये ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको जो है सेटिंग में जाना होगा, चाहे आप योनो लाइट SBI ऐप्स यूज़ करते हैं, चाहे योनो SBI ऐप्स यूज़ करते हैं, चाहे किसी भी बैंकिंग का एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, वो भी आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटिंग में आ जाना है। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेसी एंड ऐप्स इनक्रिप्टेड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद जो भी आपने पासवर्ड लगाया है, चाहे आपने फिंगरप्रिंट लगाया है, तो यहाँ पे आप अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद ये जो है अगला प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड ऐप्स, यानी कि आप छुपा सकते हैं एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को। तो यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितना भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होगा सारा यहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी एप्लीकेशन को जो है आप हाइड करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इसे आप अनेबल कर देंगे। जैसे WhatsApp हो गया, उसके बाद यहाँ पे योनो लाइट SBI हो गया, इसे मैं हाइड करना चाहता हूँ, योनो SBI हो गया। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि आप हाइड कर सकते हैं, जैसे Amazon हो गया, इसे मैं हाइड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे Facebook हो गया, इसे भी मैं हाइड कर देता हूँ। उसके बाद चलिए हम आपको बैक लेके चलते हैं कि हाइड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहां पे देख सकते हैं हम होम पेज पे आ चुके हैं। तो यहां पे जो भी फेसबुक, व्हाट्सअप और योनो लाइट SBI जो भी हम किए थे हाइड, यहां पे सारा कुछ हाइड हो चुका है। तो अगर आपको फिर से इस डिस्प्ले पर लाना चाहते हैं वो सब एप्लीकेशन जो हाइड आप कर चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको फिर से वहीं पे जाना होगा सेटिंग में। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। प्राइवेसी एंड ऐप्स इनक्रिप्टेड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पासवर्ड लगाएं तो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे, अगर आप फिंगरप्रिंट लगाएं तो फिंगरप्रिंट इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाइड ऐप्स पे फिर से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्टली आप देख भी सकते हैं आप कितने एप्लीकेशन को हाइड किए हैं। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम 5 एप्लीकेशन है जो कि आप हाइड किए हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसे जो है यहीं से ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि यहाँ से हम जो है इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं तो यहीं से आप ओपन भी कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, उसके बाद व्हाट्सअप हो गया। तो अगर आपको डिस्प्ले में शो नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहीं से सेटिंग से आके जो है आप इसे ये ऑप्शन हो गया, उसके बाद हाइड ऐप्स हो गया। तो यहाँ पे फिर से जो भी आप एनेबल किए थे उसे डिसेबल कर देंगे। यहाँ पे फेसबुक हम डिसेबल कर दिए, उसके बाद और भी है व्हाट्सअप हो गया, उसके बाद देखिए योनो लाइट SBI हो गया, ये सभी हम डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद चलिए हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे जो भी हाइड किए थे यहाँ पे देखिए आ चुका है। तो योनो लाइट आ गया, उसके बाद योनो SBI आ गया, व्हाट्सअप, फेसबुक आ गया, Amazon आ गया। तो आप इसी तरीके से जो है अपने एप्लीकेशन को हाइड कर भी सकते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि आप उस एप्लीकेशन की मदद से भी हाइड कर सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो वो भी वीडियो मैं आपको बता दूंगा, अगर ये एप्लीकेशन जो है, अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं मिलता है तो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी हमें आप